हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से इस वीडियो को पोस्ट करूंगा, लेकिन अचानक से कुछ ऐसे सिचुएशन बने कि ट्रेन से ही इस वीडियो को पोस्ट करना पड़ रहा है। अब हमारा जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा पटना टू गुवाहाटी, उसमें आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसी तरह का कुछ आपको मिलेगा उसमें। हुआ कुछ ऐसा कि अचानक से किसी फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से हमें गुवाहाटी जाना पड़ रहा है, तो रास्ते में ही शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को ट्रेन में ही बैठ करके। अभी हम लोग पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से पटना से गुवाहाटी के लिए निकले हैं। जब तक अभी वीडियो देखेंगे तब तक शायद हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके होंगे और आप हमारा नेक्स्ट व्लॉग भी देख रहे होंगे। लेकिन यूट्यूब ने जो हमें दिया है उसके लिए सबसे बड़ा अगर शुक्र अदा किया जाए, सबसे ज़्यादा थैंक्स अगर है सभी आप सभी को है, क्योंकि आपके वजह से ही यूट्यूब ने हमें क्रिएटर ऑन राइज का टैग दिया, ट्रेंडिंग टैग दिया। पिछले दिनों हम लगातार पटना में जो फ्लडिंग की स्थिति थी, जो पानी बरसने के बाद से जो बारिश हुई थी, उसके बाद किस तरह से क्या हालात हैं हम आपको दिखा रहे थे। इसके बाद हमने थोड़ी बहुत मदद करने की भी कोशिश की, लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, उनका हाल जानने की कोशिश की, और उसके बीच ये चीज़ हुई। कैमरा थोड़ा सा शेक कर रहा है, इसके लिए माइंड मत करिए, क्योंकि ट्रेन चल रही है, कुछ सही पोजीशन नहीं मिल पा रहा था कि कैमरा कहीं पे प्लेस किया जाए। जुगाड़ लगाकर किसी तरह से टांगा है ऊपर में और आपके लिए वीडियो कर रहे, क्योंकि वीडियो करना बहुत ज़रूरी था। आप लोग का जो थैंक्स कहने का मन बहुत हो रहा था, किसी तरह से कम्युनिटी में जाकर के मैंने एक फ़ोटो शेयर की थी आप लोगों को और बताया था, लेकिन एक वीडियो तो बनता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा, हम भी अपनी मेहनत जो है आगे जारी रखेंगे। कैमरा कुछ ज़्यादा ही शेक करने लगा है, ले लेते हैं इसको हाथ में। तो हमने जब अपनी सफ़र की शुरुआत की थी तो पटना को एक्सप्लोर करने से किया था, लेकिन सिर्फ पटना एक्सप्लोर नहीं करना है, पूरे बिहार को एक्सप्लोर करना है। इसके साथ बिहार के अगर बाहर भी जाते हैं, कुछ अच्छी चीज़ दिखेगी तो उसको भी एक्सप्लोर करना है। आप लोग वीडियोस को देखते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, इसके लिए एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके ही प्यार का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ पर हैं, मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत को आप सराह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमें जब कहीं पर सड़क पर चलते वक्त कहीं पर सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, वो लोग बताते हैं, हमें फीडबैक देते हैं, आप लोग अपने कमेंट्स में हमें लिखते हैं, फीडबैक देते हैं कि वीडियोस कैसा रहा, कैसा, कुछ अच्छे कमेंट्स तो बहुत आते हैं, लेकिन उस बीच में कुछ बुरे कमेंट्स भी होते हैं। चलिए, अगर 100 अच्छा है, एक बुरा तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो बुरे कमेंट्स आते हैं उससे हमें सीखने को भी मिलता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो क्रिटिसाइज होते हैं तो उसके बाद बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसी तरह से ट्रूली सजेशन जो आप देते हैं हमारे चैनल पे, उसको आप देते रहिए। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो वो भी बताइए, अगर बुरा लगता है तो वो भी बताइए। और इस छोटे भाई की जो मेहनत है उसमें क्या और कमियां हैं उसको आप बताइए, ताकि हम उसे और ज़्यादा आप तक पहुंचा सकें और उस पर ध्यान दे सकें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही कहेंगे, क्योंकि पटना को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा था। पटना के हालात जिस कदर हैं कि वहाँ पर अगर आप दिन भर भी लगे रहेंगे लोगों की मदद में तो भी कम पड़ जाएगा। हमने कुछ कोशिश की लेकिन उसके बीच हमें अचानक से निकलना पड़ गया। तो फिर एक बार फिर से आप लोग सबको बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इस कदर से हमें क्रिएट ऑन राइज पे यूट्यूब की तरफ से डाला जाएगा और उसके बाद ट्रेंडिंग में हमें जगह मिलेगी। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका साहब, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।